नमस्कार, न्यूज 18 के खास कार्यक्रम चुनावी जायका में हम आज मौजूद हैं राधावल्लभ मार्केट में। यहाँ सालिकराम हलवाई की एक कचौरी की फेमस दुकान है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि किस प्रकार से लोग इस दुकान पर पहुँचते हैं। लगातार यहाँ कचौरी बन रही है, साथ में अभी यहाँ समोसे भी शुरू हो गए, जलेबी, इमरती, मतलब जायका का पूरा सामान उपलब्ध है और यहाँ लगातार लोग खरीदी करते हैं। दिन भर जो इस दुकान में भीड़ रहती है। हमारे साथ वो दुकान के खुद संचालक मौजूद हैं। ये कचौरी जो आप बनते हैं, आपकी कचौरी जो है पूरे प्रदेश नहीं, देश के कोने कोने जाती, बहुत प्रसिद्ध है। क्या क्या कहना चाहेंगे, कब से बना रहे हैं इसको? 37 सालों का बनाते हमारे को। जलेबी और कचौरी का मेन काम है हमारा। अच्छा अच्छा, जलेबी और कचौरी का। अब आजकल यहाँ पे समोसे भी दिख रहे हैं, खमण भी दिख रहा है, सब बनाने लगे। क्या कहना चाहेंगे? ये सब जनता का प्यार है और इसने है, इसके कारण हम इस मुकाम पर रहे। अच्छा अच्छा, अब जैसे लोकसभा चुनाव है, अगर सिर पे चुनाव हो तो जायके की दुकान पे चुनावी चर्चा भी होती है। चुनाव में किस प्रकार के मुद्दे रहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? महंगाई का मुद्दा रहेगा, हिंदुत्व का, राम मंदिर का मुद्दा रहेगा और जो गरीबों को सहायता मिली है वो मुद्दे भी रहेंगे। कुछ लोग मौजूद हैं जो यहाँ कचौरी की दुकान पे पहुँचे। आइए सबसे पहले महिलाओं से बातचीत करना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप, जैसे अभी कचौरी लेने पहुँचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, यहाँ की ये बहुत फेमस कचौरी है जहाँ हम अभी मौजूद हैं और आगामी चुनाव के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो मुद्दा रहेगा वो महिला सशक्तिकरण, युवाओं को लेकर जो मुद्दा रहेगा। और जैसे कि मोदी जी पहले भी बोलते आए हैं कि वो पूरे देश को देखते हैं, पूरे देश को समझते हैं, देश में महिला सशक्तिकरण को आगे लाना चाहते हैं, युवाओं को आगे लाना चाहते हैं, गरीबी हटाना चाहते हैं, तो यही सभी मुद्दे रहेंगे जिससे कि मोदी जी हमारे देश का और ज़्यादा विकास करेंगे। अच्छा, राम मंदिर का मुद्दा, ये CAA का मुद्दा रहेगा कि नहीं रहेगा? क्यों नहीं रहेगा? 500 वर्षों से अगर हमने जिस चीज़ का इंतज़ार किया था, हमने रामलला का घर वापस आने का इंतज़ार किया था, तो निश्चित ही राम मंदिर का मुद्दा तो रहेगा ही रहेगा और CAA का मुद्दा भी रहेगा। नागरिकता की बात है, भारत देश की बात है ये। मतलब CAA का मुद्दा भी रहेगा, राम मंदिर का मुद्दा रहेगा। हमारे साथ अभी कुछ लोग मौजूद हैं जो कचौरी का आनंद भी ले रहे हैं। ये चुनाव है, क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर? आज से कुछ सालों पहले जो देश की स्थिति थी, वाकई उसमें बदलाव आया है और इस बदलाव को देखते हुए हम क्या हर आदमी चाहता है कि मोदी जी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बने। आज जो देश विकास कर रहा है, तरक्की कर रहा है, सुख शांति समृद्धि है, चैन है, महिलाओं को सशक्तिकरण किया जा रहा है, युवाओं को प्रेरित किया जा रहा है, युवा लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, तो हम चाहते हैं कि फिर से मोदी जी की सरकार बने और देश का विकास हो। देश विकास के हित में मोदी जी ने जो काम किए हैं उस काम को ले कर सब लोग अति उत्साहित और प्रफुल्लित है। यह काम होना चाहिए शांति सुख, तो मतलब मोदी फैक्टर रहेगा चुनाव में 101% रहेगा। आज आप भीड़ भाड़ का एरिया देख रहे हो, पहले डर लगा रहता था कि कब क्या हो जाए, आज वो हालात नहीं है, हालात सुधरे हैं। वाकई में ऐसी सरकार की ज़रूरत है। मतलब मोदी फैक्टर की भी बात की जा रही है, क्या मानते हैं ये चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण लोकसभा का चुनाव है और हम जायका का भी आनंद ले रहे हैं, सिर पे चुनाव, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चुनाव में मुद्दे काफ़ी रहेंगे। पिछले 2014 से निरंतर देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, लेकिन अगर यूँ विकास की अगर बात करें या कोई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें तो देश में कहीं भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दिखता नज़र नहीं आता। बुद्धिजीवी जो है वो सोचता है देश में बेरोजगारी निरंतर बढ़ रही है और बेरोजगारी का आलम यह है कि आज हर युवा काम की तलाश में दर दर भटक रहा है लेकिन उसके पास काम नहीं है। अगर खेती की बात करने जाए तो किसानों को MSP का लालच दिया जाता है लेकिन MSP के लिए उनको कोई भी जो है सच्चा हल सामने नज़र आता नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था 2014 में आप देखिए कहाँ थी, मनमोहन सिंह सरकार जब थी, मैं ये नहीं कहना चाहता कि कांग्रेस की सरकार ने क्या किया है, BJP की सरकार ने क्या किया, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन अर्थव्यवस्था जो है वो निरंतर डाउन हो रही है। तो पहले क्या चुनाव में मुद्दा रहेगा अर्थव्यवस्था? क्यों नहीं रहेगा? मेरे को एक बात बताए, जिस दिन इस देश का 20% बुद्धिजीवी मतदान कर देगा उस दिन इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नजर ही नहीं आएगी। बुद्धिजीवी जो है वो वोट करने से कतराता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बार हमें देश को बचाना है और देश को बचाने के लिए देश की अर्थव्यवस्था, रोजगार और देश की तरक्की के लिए आपको जो है आगे आना पड़ेगा और बुद्धिजीवी को वोट करना पड़ेगा। मतलब अर्थव्यवस्था, रोजगार, ये चुनाव में मुद्दे रहेंगे, आप क्या मानते, क्या सोचते हैं आप? मेरे यदि पर्सनल ओपिनियन को देखा जाए तो चुनाव में विकास हर चुनाव में मुद्दा रहता है, मगर अभी मेन मुद्दा ये देश में नेतृत्व की कमी है। इंडिया गठबंधन को अभी देखें यदि अपन,
तो मोदी जी की तुलना में मोदी जी की कद काठी का कोई कुशल नेतृत्व नहीं है जो उनको टक्कर दे सके, इसलिए इस बार तो मोदी जी को हराना नामुमकिन है। मतलब राहुल और बनाम मोदी मुद्दा चलेगा क्या? तुलना ही नहीं है। राहुल मोदी जी के लेवल के नेता न बन पाए हैं, न उन्होंने वो एटीट्यूड दिखाया कि वो उस लेवल के नेता बने कभी। इसलिए जब तक विपक्ष के पास एक सशक्त कद काठी का नेता नहीं होगा तब तक कोई टक्कर नहीं होगी। विपक्ष के पास कद काठी का नेता नहीं होगा जब तक कोई तुलना नहीं होगी। राहुल और मोदी का जो लोग अपने अलग अपनी अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं और बता रहे हैं, क्या मानते हैं आप, क्या सोचते हैं, ये चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि हम DGP का 25% देते हैं पर हमको 25 सांसद का भी रिस्पांस नहीं है। कोई भी पार्टी आए, कोई भी बात होए, पर हमारी रिस्पांसिबिलिटी तो आना चाहिए ना। और हमने क्या सोचना, आज हमारे समय शिखर के लिए आप पर्यटक घोषित कर रहे हो जो शाश्वत क्षेत्र है, तो शाश्वत क्षेत्रों को मानना और न मानना, उसके बाद भी हम तो राष्ट्र के साथ जुड़े हैं और राष्ट्र की सेवा के लिए जो भी स्थिति आएगी वो करने को तैयार रहते हैं। पर हमारा ये कहना है कि हमारे को और हमारे समाज के नाम से उस चीज़ को रिस्पांस आना चाहिए। मतलब अलग अलग लोगों की प्रतिक्रिया है, लोग अपनी अलग तरीके से बातचीत कर रहे हैं, आप क्या मानते हैं, क्या सोचते हैं, ये चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण है? ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस बार जो है मोदी फैक्टर 101% लागू है और मोदी जी के कार्यकाल में जो 10 साल के जो उन्होंने विकास के काम किए उससे ये हो गया कि सीधा मतदाता और मोदी जी जुड़ गए, इसके बीच की कड़ियाँ धीरे धीरे कम हो रही है। और रहा विपक्ष, तो विपक्ष तो कहीं है ही नहीं पूरे देश में। और जैसा अभी हमारे साथी ने बताया कि राहुल गांधी, जब तक कांग्रेस का नेतृत्व जो शीर्ष नेतृत्व है ये पूरी तरह से बदल नहीं दे और कांग्रेस का पुनर्जन्म जब भी संभव है, नहीं तो ये देश में कांग्रेस तो अभी भविष्य में दूर दूर तक कहीं राज करने वाली नहीं है। मतलब विपक्ष नेतृत्व की कमी की बात की जा रही है, आप क्या मानते हैं, ये चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसे आप अभी यहाँ पहुँचे हैं दुकान पर, क्या कहना चाहेंगे? 2024 का तो पूरा खेला BJP का होगा, क्योंकि पूरी जो मध्य प्रदेश की जो पूरी 28 सीटें हैं पूरी मध्य प्रदेश की जो है BJP लेकर आएगी। मतलब सभी सीटों पर मध्य प्रदेश में जीत की बात की जा रही है, आप क्या कहना चाहेंगे, ये चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्या कहना चाहेंगे? लोकसभा का चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस बार युवा जो हैं उसका नज़रिया बदला है। 2014 और 19 के चुनाव में जो मुद्दे थे, मोदी जी महंगाई को लेकर के आपकी बार महंगाई की मार, फिर से मोदी सरकार का नारा लेकर आए थे, 2 करोड़ रोजगार का नारा लेकर आए थे और काले धन की वापसी को लेकर के मोदी जी काफ़ी लोगों में लोकप्रिय हुए थे। बढ़ चढ़ के लोगों ने मतदान किया, 303 सीटें मोदी जी को मिली, पर जो कांग्रेस 55 लाख करोड़ कर्जा छोड़ के गई थी मोदी जी ने उसको 205 लाख करोड़ कर दिया। उसके बावजूद पेट्रोल आज 112 रुपये लीटर बिक रहा है और अभी एक एजेंसी का सर्वे आया था, देश में 80% युवा जो है वो बेरोजगार हैं। तो निश्चित तौर पर इस देश के जो मुद्दे हैं वो खरगोन के भी मुद्दे रहेंगे और अगर गैर राजनीतिक तौर पर बोले तो 3 साल तक खरगोन के लोकसभा सदस्य को सांसद निधि नहीं मिली, ये बहुत बड़ा फेलियर है। न तो सांसद ने आवाज़ उठाई, न यहाँ के कार्यकर्ताओं ने आवाज़ उठाई, न यहाँ के स्वयंसेवकों ने आवाज़ उठाई। मतलब ये चुनावी मुद्दा रहेगा, चुनावी मुद्दा रहेगा कि गजेंद्र पटेल को देश की सबसे बड़ी पंचायत में खरगोन ने चुन के भेजा था तो गजेंद्र पटेल ने खरगोन के लिए क्या किया। चुनाव के इन वक्त आप अगर किसी मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन शिलान्यास करते हो जिसका 1 रुपया भी बजट नहीं दिया है, बाउंड्री वॉल बनाने से मेडिकल कॉलेज नहीं बनता, चुनाव के इन मौके पर अगर आप ये सब करते हो तो जनता समझती है आपके हाथ में मध्य प्रदेश की सत्ता 20 साल से है, देश की सत्ता 10 साल से है और आप सिर्फ भूमि पूजन और शिलान्यास में विश्वास रखते हो तो जनता समझती है। और इस बार परिवर्तन होगा और जिस तरह से ट्रेंड आ रहे हैं देश से, पूरे देश से, इस बार सत्ता परिवर्तन होगा और ये BJP 200 सीटें भी पार नहीं कर पाएगी क्योंकि इस बार जो है वो लोकतंत्र का भविष्य युवाओं के हाथ में। मतलब अलग अलग अपनी लोगों की प्रतिक्रिया आ रही, लोग अपनी अपनी कचौरी के जायके का स्वाद भी ले रहे हैं और लोग अपने अपने तरीके से बातें कर रहे हैं। ये जो चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव है, इस चुनाव में चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो या CAA का मुद्दा, ये क्या मुद्दा चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा और मैं तो समझता हूँ कि हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये चुनाव ही है जो देश का भविष्य तय करता है। आज 2014 के बाद से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जिस हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ख्याति अर्जित कर रहा है तो निश्चित ही ये चुनाव भी महत्वपूर्ण इसलिए है कि एक ऐतिहासिक निर्णय मोदी जी ने जो लिया है CAA लागू करके, ये साहसिक निर्णय मैं समझता हूँ मोदी जी के अलावा और किसी के बस का था नहीं, क्योंकि पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका में जो विस्थापित
हिंदू थे और जो नरकीय जीवन जी रहे थे उनको इस कानून के आने के बाद मैं समझता हूँ एक नया जीवन दिया है मोदी जी ने। और 500 वर्षों का श्री राम मंदिर का संघर्ष, असंख्य राम भक्तों का बलिदान, उसकी परिणति श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के रूप में मोदी जी ने करके जो सच्ची श्रद्धांजलि उन राम भक्तों को दी है, वो कार्य भी मैं समझता हूँ कि ये दिव्य पुरुष मोदी जी ही कर सकते हैं। और अभी इस देश को मोदी जी के नेतृत्व की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे और कई परिवर्तन इस देश में मोदी जी के द्वारा होने हैं और उन्हीं के नेतृत्व में भारत अपने परम वैभव को प्राप्त करेगा, ऐसा मेरा मानना है। मतलब राम मंदिर का मुद्दा भी रहेगा, सीए का जो नागरिकता वाला जो मुद्दा आया उसको लेकर मतदाताओं का कहना है कि ये बहुत मतलब चुनाव में बड़ा मुद्दा रहेगा, आप क्या मानते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री इस देश को मिलना बहुत सौभाग्य की बात है और उनके नेतृत्व में ये देश हमेशा आगे तरक्की करता रहेगा। मतलब चुनाव में क्या क्या मुद्दे रहेंगे? चुनाव में तो मुद्दे ये हैं कि जैसे राम मंदिर का जो हो गया है, सीए लगा दिया है, बहुत अच्छे काम भी करे हैं, और कुछ लोग नाराज भी हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी मोदी जी वापस आएंगे 2024 में और भारी बहुमतों से आएंगे। मतलब चुनाव में मोदी फैक्टर जरूर रहेगा, आप क्या मानते हैं, क्या सोचते हैं, ये जो चुनाव है काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव, क्या कहना चाहिए? खरगोन और बड़वानी जिले की जो जनप्रतिनिधि कोई भी चुन के आए वो इसको रेलवे लाइन से जोड़े, और दूसरा इस पे जो खरगोन और बड़वानी जिले को पिछड़ा क्षेत्र जो दे रखा तमगा इसको हटाने का प्रयास करें, इसको विकसित जिले में लाने की कोशिश करें। मतलब क्या रेल भी चुनावी मुद्दा रहेगा? जी बराबर रहेगा, रेलवे चुनाव मतलब रेल भी चुनावी मुद्दा रहेगा। लोगों की अपनी अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही, आप क्या मानते हैं, आप जैसे यहाँ कचोरी की दुकान पे पहुँचे, क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में? खरगोन की सबसे मेजर समस्या को लेकर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, मास्टर प्लान 2001 और मास्टर प्लान 2020 के अनुसार रिंग रोड और ट्रांसपोर्ट नगर नहीं बना है, ठीक है। इसके अलावा बाईपास जो है, बाईपास का काम भी नहीं हुआ है। तो कुल मिला के खरगोन में कई बार घटनाएं हो चुकी, कई हादसे हो चुके, कई बेटियों की यहाँ बीच में विस्टान रोड पे बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, उसमें दो बेटी की जान गई थी। इसके अलावा बावड़ी बड़ा हादसा हुआ था। इसके अलावा मास्टर प्लान के अनुसार अगर यहाँ पे जो भी यहाँ पर रहे हैं, सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, इन्होंने ध्यान आकर्षित नहीं दिया। इसके अलावा मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि 40 साल में यहाँ जितने सांसद रहे हैं वो रेल का सपना दिखा रहे हैं लेकिन रेल की सौगात नहीं दे पाए। तो मेरा सीधा और साफ यही कहना है कि खरगोन में ताप्ती नर्मदा रेल लाइन जो समिति है ये भी लगातार प्रयास कर रही है। बीजेपी के सांसद गजेंद्र सिंह पटेल जो है उनके माध्यम से इसके जो अध्यक्ष हैं अग्रवाल जी वो भी दिल्ली होकर आए हैं लेकिन सौगात नहीं दे पा रहे। मतलब रेल मुद्दा रहेगा? रेल मुद्दा रहेगा और खरगोन की मेजर समस्या मास्टर प्लान में रिंग रोड और ट्रांसपोर्ट नगर की सख्त आवश्यकता है जिससे दुर्घटना हादसों को रोका जा सकता है। मतलब रेल के साथ साथ लोग स्थानीय समस्या भी बता रहे हैं, लोगों को अपनी अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, आप क्या मानते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव, क्या कहना चाहेंगे? चुनाव और राजनीति से तो मेरा संबंध बहुत दूर का है, मैं बैंक में हूँ, सामने यू बैंक में मैनेजर हूँ। मैं ये मानता हूँ कि पहले एक कागज़ से दूसरे कागज़ में पेमेंट ट्रांसफ़र करना ये सोचना बहुत बड़ी बात थी, लेकिन वो आज हम सब कर रहे हैं। अभी हम सब कचोरी चौपाल पे हैं, कचोरी खाई ये मेरे हाथ में है, स्वच्छता का ध्यान रख रही है पब्लिक, तो बहुत अच्छे स्तर पर जो मोदी जी बदलाव लाएं इस देश में वो वाकई काबिले तारीफ़ है। डिजिटल ले लो, ट्रांसपोर्ट पर बात कर लो, जो नितिन गडकरी जी अभी काम कर रहे हैं तो बढ़िया नेतृत्व कर रहे हैं और बढ़िया डेवलपमेंट और बढ़िया विकास हो रहा है, और उनसे उम्मीद है कि आने वाले समय में भारत को और विकसित राष्ट्रों में शामिल किया जाए। तो लोग मान रहे हैं कि डिजिटल हो चाहे स्वच्छता हो उसको लेके देश ने कई कदम आगे बढ़ाए हैं, तो लोग मानते हैं कि इसका भी चुनाव में मुद्दा रहेगा, आप क्या मानती हैं? विशेष रूप से आप महिला पहुँची हैं, जिस प्रकार से स्वच्छता को लेकर भी काम हुआ है देश में, तो क्या कहना है आपका? मोदी जी जब से आए हैं तब से महिला वर्ग बहुत सुरक्षित अपने आप को फील करता है, सारी महिलाएं खुलकर अब बाहर आने लगी है, सब ग्रुपों को ज्वाइन कर रही है और हर फील्ड में बहुत आगे हो चुकी है। तो मेरा मानना तो यही है इस बार मोदी जी की लहर ही नहीं पूरी बाढ़ है, मोदी बीजेपी इस बार 400 सीट पार होना ही है। वोटर 400 से पार की जो बीजेपी का दावा है उसको वोटर भी दोहरा रहे हैं, तो कुल मिलाकर अभी जो चुनावी जायका को लेकर न्यूज 18 ने
लोगों से खास बातचीत की है, और बातचीत के दौरान लोगों ने जहां राम मंदिर के मुद्दे की बात हो, मोदी फैक्टर की बात हो, या सनातन धर्म की बात हो, अपने अलग अलग मुद्दों के साथ साथ स्थानीय जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को भी पुरजोर तरीके से उठाया। रेल का मुद्दा हो, जो खरगोन के लोग सपना देख रहे हैं, उस मुद्दे को भी लोगों ने उठाया। और लोगों का ये मानना है कि इस बार जो चुनाव है काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव है और मोदी फैक्टर कहीं ना कहीं हावी लोगों को नज़र आ रहा है। आशुतोष पुरोहित, न्यूज 18, खरगोन।